नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक ऐसा पौधा बताऊंगा जिसको टाइम फूल बोलते हैं, जिससे टाइम का भी पता चलता है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक फूल खिलता है तो मालूम चलता है 9 बज गया, मतलब वो फूल खिल गया। अब 5 बजे फूल मुरझा जाता है तो मालूम चलता है कि 5 बज गया। सरकारी फूल भी बोलते हैं और उसको टैनोक्लॉक भी बोलते हैं। वो पौधा एक बार लगा लेते हैं तो खिल जाता है, उसके बाद लगता है वो क्यों फूल नहीं खिल रहा है, और खाद भी डालने के बाद, कटिंग करने के बाद भी उसमें फूल नहीं आएगा। तो उससे कैसे फूल खिलाया जाए और नया पौधा बनाया जाए जो हम अपने नर्सरी में बनाते हैं, वो आपको आज बताऊंगा बहुत आसानी तरीका से, बहुत ईजी तरीका से। क्या है, एक पौधा आप लगा दिए, उसको कितना बड़ा गमले में लगाए, लगाने के बाद फूल क्यों नहीं खिल रहा है, तो उसका एकदम सही तरीका है। उसमें खाद डालने से नहीं होगा, उसका तरीका कुछ और है। तो आइए जानते हैं नैनोक्लॉक के बारे में, जो हम अपने नर्सरी में बनाते हैं पौधा। आप बहुत सारा बनाते हैं, एक बार खरीद के लाते हैं दोबारा जरूरत नहीं पड़ता और खिलते ही रहता है। तो अपने जो हम नर्सरी में कटिंग करते हैं वो चीज़ बताऊंगा, आइए जानते हैं। दोस्तों ये टाइम फूल है, नैनोक्लॉक बोलते हैं। इसमें हाइब्रिड आता है, देसी आता है, ये देसी वाला है। हाइब्रिड का लाइफ नहीं रहता है, वो एक बार लगाते हैं वो बीजा से होता है, तो उसका एक बार लगाएंगे 2 महीने 3 महीने या खूब से खूब 4 महीने रहेगा, उसके बाद वो पौधा ही खत्म हो जाता है, उसको फिर नया लाना पड़ता है। हालांकि ये महंगा नहीं आता है, 20-25 रुपये का आता है, और 20 रुपये का आता है, और देसी भी लमसम वही रेट का आता है। लेकिन देसी का फूल बड़ा खिलता है और ये 12 महीना खिलेगा। तो कैसे खिलेगा उसको, उसको उपाय है, जैसे मैं गमले में लगाया हूँ, देखिए दोस्तों। अब इसको आप यहाँ से कटिंग भी कर देंगे, इसको हम कटिंग भी कर देंगे, गमले में है ये देखिए, इसको कटिंग कर दिए। अब इसमें से नया ब्रांच आएगा उतना फूल नहीं खिलेगा, क्योंकि इस कटिंग करने से कुछ नहीं होगा। इसमें जो नीचे में जो जड़ है, गमले के नीचे में जो जड़ है, वो जड़ आपका पूरा फैला हुआ है, मिट्टी का मात्रा कम हो गया है। अब इसमें आप जितना भी खाद डाल लीजिए, पन डाल लीजिए, इसमें फूल कहाँ से मिलेगा, इसको खाना कहाँ से मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगा तो फूल नहीं खिलेगा। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको निकाल के आप अलग अलग बना सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा। और ये जो कटिंग किया हूँ इसको भी आप अलग अलग लगाएंगे, इसमें जब नया जड़ आएगा, नया एनर्जी रहेगा, तो नया फूल ज़्यादा खिलेगा। वैसे करके आप पौधा बना सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी। देखिए हम लोग ऐसे करके नया नया पौधा बनाते हैं इसको, तो ऐसे करके अब टाइम फूल का कभी भी लगाए तो इसमें 3 या 4 कलर आता है देसी वाला में, गुलाबी आता है, लाल आता है, ऑरेंज आता है, और इसमें कलर कम आता है, हाइब्रिड में बहुत कलर आता है, लेकिन उसका लाइफ नहीं रहता है। और इसको आप हैंगिंग भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। इसका गमला का साइज 8 नंबर 10 नंबर रहना चाहिए, इसे इतना नंबर एक बीता गमला होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा गमला लगाने से कोई फायदा नहीं, वो बेकार खर्चा जाता है। तो आप कभी भी लगाए तो छोटा ही गमला में लगाए या हैंगिंग में, तो ज़्यादा फूल खिलेगा। तो मैं बताऊंगा आपको, इसको ले चलता हूं और इसको भी ले चलता हूं। अब एक पौधा से कितना सारा पौधा आप खरीद के ले आएंगे तो बना सकते हैं, और आगे भी ऐसे ही करना है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं झिल्ली रखा हूँ, हम लोग क्या झिल्ली में इसलिए लगाते हैं इसको सेल करने के लिए, तो इसको गुच्छा गुच्छा लेके मैं लगा दूंगा, इसको गुच्छा गुच्छा लेके लगा दूंगा। अभी तैयार होगा, अब देखिए एक पौधा से कितना सारा बनेगा, तभी तो इसका रेट ज़्यादा नहीं है, कम रेट में बिकता है। बहुत कम रेट में मिलता है इसी कारण, अगर जो पौधा बहुत मुश्किल से तैयार होता है उसका रेट ज़्यादा रहता है, और जो आसानी से तैयार हो जाता है उसका रेट बहुत कम रहता है। तो आप भी एक पौधा ले गए, अब इसको लगा दिया, इससे आप ये तैयार होगा तो इसमें से काट के फिर दूसरा पौधा लगा दिए, और जो पुराना वाला है उसको आप फेंक सकते हैं। कभी भी नया पौधा लगाने से नया एनर्जी रहेगा, फूल ज़्यादा आएगा। तो डेमो के लिए इतना बहुत है, और दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये वाला है, इसको आप निकाल लीजिए, जड़ के साथ निकलेगा, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं आप। इसको मैं दूसरे तरीके से लगाऊंगा, कहाँ लगाना है बताऊंगा आपको। ये हो गया, इसको आप हैंगिंग में भी कर सकते हैं, इसको आप हैंगिंग में कर सकते हैं, हैंगिंग में भी बहुत प्यारा लगता है। इसमें मैं डाल के मिट्टी दिखा रहा हूँ, इसका मिट्टी आधा रहेगा, 50% कोकोपीट आप डाल सकते हैं या गोबर खाद डाल सकते हैं, ताकि हल्का रहेगा तो पौधा आपका हल्का रहेगा, तो गमला जैसे भारी हल्का रहेगा तो ऊपर टांगने के बाद गमला गिरेगा नहीं, भारी रहने से गमला कई बार गिर जाता है,
तो थोड़ा मुश्किल जाता है, इसलिए आप हैंगिंग में डाले तो हल्का करके डालिए। हल्का कब होगा, हल्का कब होगा, जैसे कोकोपीट डालेंगे, बर्मी कंपोस्ट डालेंगे आधा मात्रा में तो हल्का रहेगा, तो इसको करके हैंगिंग कर सकते हैं। आप ऐसे भी और दो चार ठो बढ़ा सकते हैं, मैं एक दिखा देता हूँ आपको। तो इसको लगा दीजिए, आप इसको धूप में भी रख सकते हैं कटिंग लगा के, और थोड़ा छाया में भी रख सकते, दोनों ऑप्शन है। कोई इसमें एलोवेरा और कोई कटिंग दवाई लगने की जरूरत नहीं है, तो बिना दवाई से लग जाता है। ये थोड़ा लगने के बाद 15-20 दिन बाद आप थोड़ा सा खाद डाल देंगे, तो ज़्यादा घना हो जाता है, DAP ग्रूमर जो भी है। तो ऐसे करके आप पौधा बना सकते हैं बहुत सारा, जो हम अपने नर्सरी में बनाते हैं। इसका कटिंग आप धूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ टाइम फूल के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गया होगा आपको। आप एक पौधा लाए, उसको कटिंग करके लगा दिए, और जब वो खाना होगा दो तीन महीना फूल खिल जाएगा। जब देखेंगे फूल कम हो गया तो ऊपर से काट के अब दूसरे गमले लगाइए, और जो नीचे जड़ वाला पौधा है उसको भी निकाल के फैला के अलग अलग लगाना पड़ता है। वैसे करके आप बहुत सारा पौधा बना सकते हैं, पार्ट पार्ट में वैसे ही करना पड़ेगा, तो ये पौधा जाके हमेशा खिलते रहेगा। एक ही फूल में चाहेंगे जब 12 महीना खिलेगा, तो यूट्यूब में बोलते हैं जो ये खाद डाल दो ये खिलते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सिस्टम होता है फूल पौधा, तभी आप लोग आते हैं बोलते हैं नर्सरी में कैसे इतना फूल खिलता है, हम लोग का ही तरीका है। तो आप विदा लेता हूँ, नमस्ते दोस्तों।